ओम शांति। मैंने एक बार मम्मी ने कहा, बच्चे ऐसे ऐसे भी समय आएगा जो कान पान पूरी रूप से प्रदूषित हो जाता है, विष का रूप ले लेता है, आप अनाज भी खाना योग्य नहीं बनता है, पीने के पानी भी योग्य नहीं होता है, दूध भी योग्य नहीं होता है, फल भी नहीं मिलता है, ऐसे समय आएगा। अभी तो उस सब का रिहर्सल स्टार्ट हो गया है, समझते हैं? हाँ जी, देख रहे हो ना दुनिया का हालत क्या क्या रूप से बिगड़ता जा रहा है, पीने का पानी, खाने का खानी, सब में भी क्या हो गया है, विष। अगर हमको संगम युग में खुश रहना है, इस शरीर को प्रभु सेवा में ज्यादा अर्पित करना है, बाबा के भंडारी को वेस्ट नहीं करना है, भले आप कमाते हो लेकिन बाबा ही उसका निमित्त समझते हो ना, बाबा ही उसका मालिक समझते हो ना, जो खुद पैसा कमाते हैं। कितने लोग ऐसे समझता है ये पैसा बाबा का है, वो हाथ उठाओ सच्चे दिल से, वेरी गुड, कहीं दो दो हाथ उठा दिए तो इतना हैंडसअप कर दिया। आप ऐसे नहीं समझो, मैं कमाया, मैं खाता हूं, खाओ पियो मौज करो, फिर डॉक्टरों के पास भागो और उसके जॉब भरो। भाग्य नहीं बनता डॉक्टरों के जॉब बनता। कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहता है कि आप इसको खाना मना है, कितना ही कहता है माता जी आप थोड़ा कम करो लेकिन छोड़ो, ऐसे कोई नहीं बोलता। अगर वो बोलते गया छोड़ दो तो उसका बिजनेस ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए हम सबको इस बात पर ध्यान देना है, हमको जो भोजन का व्यवस्था है उसको 30% बॉइल्ड के रीति से लेना है, 70% हमको सब्जी और सलाद, जो सब्जियों का सलाद है उसको दे लेना है, लेकिन उसमें भी खास खरबूज और ये जो ये होता है ना, खरबूज बोला जाता है और मेज बोलता है, क्या बोलते हैं जोड़ा, जो जोहार जोहार वो सब ले सकते हैं, और साथ में ये पपीता पपाया लेकिन ये मिलता है ना, पपाया मिलता है, पपाया ले लो, खीरा ले लो, और जो बोला है खरबूज है वो सब ले लो। वो सब में क्या होता है, कैलोरी कम होता है, शरीर में वाटर कंटेंट ज्यादा बढ़ता है, आपको बीमारियां आने में वो रोकता है, आपके शरीर में जो फाइबर की जो मात्रा चाहिए, फाइबर माने क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ और है वो जो आप समझ लिया ना, फाइबर मतलब क्या है, वो फाइबर जो है वो बॉडी में अगर गया, जो भी आप जो खाना खाते हैं, जो सॉल्ट के कनेक्शन में जो ऑयल कंटेंट के भोजन जो लेते हैं, वो खा करके आपके जो इंटेस्टाइन होता है उसमें जब डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा फूड को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के बॉडी में गए तो वो आपको बहुत शक्ति मिलता है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, ये नमक ज्यादा खाने से, तेल वगैरह ज्यादा खाने से वो ग्लूकोज में परिवर्तन होने में फेल होकर के वहां ही पूरा जमता जा रहा है। वो जमते जमते आदमी का जो सुबह का नेचर कॉल होता है वो मल रूप में आना है, वो नहीं आता है, वो अंदर ही अंदर यहां वहां चपक के चपक के चपक के वो क्या होता है, वो बहुत रीति से बीमारियों का जन्म लेता है। जैसे आपके घर के टॉयलेट या बाथरूम में आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्लीनिंग के पाउडर या ब्लीचिंग डाल करके आप झाड़ू लेकर के इसे क्लीन करते हो ताकि वो कुछ भी जमे नहीं। ऐसे हमारा शरीर में भी अंदर का सिस्टम के लिए वो फाइबर क्या करता है, झाड़ू का काम करता है, वो सब बाहर वो कचरे को निकालता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, घर में डस्टबिन का केयर बहुत अच्छा लेते हैं,
थोड़ा भी कचड़ा वो डस्टबिन में हो तो उसका पूरा सफाई करके डस्टबिन को भी क्लीन करके रख देते हैं, और पेट टू भी डस्टबिन में वैसे ही जमा करके रखते हैं, और शर्म आता है ये बातें बोलने के लिए। ये शर्म क्या होता है? हमारा शरीर को पूरा बीमारियों के जन्म देने का निमित्त बनते हैं। इसलिए हम सबको भी बहुत ध्यान से इस बात पर बहुत अच्छी तरह से हम अटेंशन देना है, हमारा शरीर को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फूड देना है। कभी मॉर्निंग ऑफ स्प्राउट्स, स्प्राउट्स माना क्या बोलता है, अंकुरित किए हुए, वो सब कुछ आप लिया जा सकता है, आपका बॉडी को जो एनर्जी मिलना है वो मिलता है।